अमदावाद शहर ने शांति एशियाटिक स्कूल द्वारा वार्षिक रमतोत्सव आयोजन कर भारतीयम 2024 नाम योजना आ बे दिवसीय रमतोत्सव में धोरण 1-8 विद्यार्थी जुदी जुदी रमतगमत प्रवृत्ति में भाग लीधो जेमा टूंकी दौड़ लांबी दौड़ कराटे स्केटिंग और विविध अंग कसरतों की तरकीबों विद्यार्थी द्वारा रजू कर शिक्षण की साथ साथ विद्यार्थियों में नियमितता स्वास्थ्य समूह जीवन और आत्मविश्वास वधे तेवा आशय थी आ वार्षिक रमतोत्सव आयोजन करवामां आवे छे जेमां उत्कृष्ट देखाव करनारा विद्यार्थियों ने आगळनी स्पर्धाओं में भाग लेवा माटे प्रोत्साहित करवामां आवे छे। मोटी संख्या में शाळाना बाळको शिक्षकों तथा वालीओए आ रमतोत्सव में हाजरी आपी हती। स्पोर्ट्स जो है वो 360 डिग्री ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए, उनकी कंसंट्रेशन इम्प्रूव करती है, उनके अंदर टीम बिल्डिंग और कैसे वो हार और जीत को एक्सेप्ट करें तो बच्चा ये खेल के मैदान से ही सीखता है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। और खेल महाकुंभ और खेलो इंडिया जैसे हमारे यहाँ जो हमारे भारत में जो चल रहा है उससे भी बच्चों को बहुत बढ़ावा मिलता है और हमारे के बच्चे भी पार्टिसिपेट यहाँ पे करते हैं और जीतते हैं और हम लोग बच्चों को शुरू से इस चीज़ के लिए प्रेरित करते हैं। तो हम एज अ स्कूल ये बिलीव करते हैं कि स्पोर्ट्स जो है वो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमको स्पोर्ट्स डे में हमेशा पार्ट लेना चाहिए क्योंकि उसमें हम नई नई चीज़ें सीखते हैं और हम फिजिकली बहुत फिट रहते हैं और मेंटली हम डिसिप्लिन सीखते हैं, टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, रेजिलेंसी, रिस्पेक्ट, कंपैशन और कैरेक्टर सीखते हैं। तो स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स डे बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए और हमको हमेशा ऐसे इवेंट्स में पार्ट लेना चाहिए।